कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान के बीच हिंसा का दौर लगातार जारी है। रात से अब तक 7 सियासी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इनमें टीएमसी के 5, बीजेपी के 1 और सीपीएम के 1 कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है, जबकि कूचबिहार में बैलेट बॉक्स लूट लिया गया। कई बूथों पर मारपीट की खबर है। राज्यपाल उत्तरी 24 परगना पहुंचे तो उनके काफिले को रोक दिया गया। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को रोककर सुरक्षा की गुहार लगाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप भी लग रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये कूचबिहार में पोलिंग बूथ की तस्वीर है, जहां पोलिंग ऑफिसर्स को पीटा गया है। कुर्सी, मेज, टेबल सब कुछ फेंक दिया गया और जो भी कागजात मौजूद थे, जो कि चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा थे, उनको गिरा दिया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें, और ये तो सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें अभी पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों, अलग अलग हिस्सों से आ रही है। और ये जो जल रहा है, देखिए, बैलेट बॉक्स है, जो चुनाव हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है, राज्य पुलिस की भी मौजूदगी है, 1,30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, बावजूद इसके हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सी और एसएफ के बीच में यहाँ क्लैश हुआ था कुछ ही देर पहले। यहाँ क्लैश के दौरान ये काफी सारे बॉम्बारी की गई। बॉम्ब का स्पॉट अभी भी दिखाई दे रहा है रास्ते के साइड में, एक जिंदा बॉम्ब भी दिखाई दे रहा है। जिंदा बॉम्ब गिरा हुआ है ये जंगल में रास्ते के किनारे में, और इधर और एक बॉम्ब दिखाई देगा, इधर में भी एक बॉम्ब दिखाई दे रहा है। यह काफी सारे बॉम्बारी की गई और अभी भी काफी सारे बॉम्ब गिरा हुआ है रास्ता के साइड में, बुलेट भी दिखाई दे रहा है। और जितना तक अभी तक जानकारी मिल रही है, 1 जन को अभी तक लाया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, 4 जन घायल हुआ है, बुलेट इंजरी है। इधर और एक बॉम्ब दिखाई दे रहा है और एक जिंदा बॉम्ब, चारों तरफ बॉम्ब गिरा हुआ है। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है मेरा, यहाँ से काफी 100 मीटर होगा, करीबन 100 मीटर दूर में ये बूथ है, लेकिन इधर मतदान शुरू होती ही बमबारी शुरू हो गई, गोली चली, बम अभी कैमरा में भी आ रहा है, काफी सारे बम गिरा हुआ है, चारों तरफ बम अभी तक दिखाई दे रहा है, 4 जन अभी तक घायल हुआ है। लोकल जो एसपी है, यहाँ का पुलिस का एसपी पुष्पा, इधर कुछ देर पहले आई थी, लेकिन अभी तक कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन पुलिस अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से गोली चली, ये बॉम्ब मारा गया, और उधर जो साइड दिखाई दे रहा है वहां से गोली मारने का आरोप है, गोली चला था, आरोप है टीएमसी के खिलाफ। अभी तक आईएसएफ की तरफ से जो आरोप किया जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से ये हमला किया गया आईएसएफ का समर्थकों के ऊपर। अब इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी को पश्चिम बंगाल ही हम लिए चलते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं नॉर्थ 24 परगना से, जबकि कूचबिहार से जुड़े हैं हमारे साथ ऋतिक मंडल। ऋतिक, आपसे हम पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि कूचबिहार से अभी हम हिंसा की तस्वीरें देख रहे हैं, पोलिंग बूथ में किस तरह से पोलिंग ऑफिसर्स को पीट दिया गया, इस पर क्या अपडेट है, क्या आपको देखने और सुनने को मिल रहा है इस वक्त? आशुतोष, पिछले 7 बजे से पिछले 3.5 घंटे बीत चुका है और सबसे ज्यादा बवाल का स्थिति इसी कूचबिहार के दिनहाटा से है। 3 अहम खबरें कूचबिहार से मिल रहा है, जहां पर दिनहाटा में एक भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट को सरेआम इस ऐसे ही एक पोलिंग स्टेशन के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई, आरोप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। दूसरा छवि जो हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो सिताई से है, जहां पर एक पोलिंग बूथ के अंदर लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर जो पोलिंग प्रोसीड्यूर्स है उसको इफेक्टेड करते वहां पर आगजनी भी की गई है। दूसरी जगह जो इसी दिनहाटा से हम जहां पर मौजूद हैं, यहां से 25 किलोमीटर दूर एक बूथ है जो बताया जा रहा है, वहां पर तृणमूल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको मारकर हटा देते हैं, वहां पर तहस नहस की स्थिति थी। सवाल निशान चुनाव आयोग के द्वारा ली गई सिद्धांत यानी केंद्रीय बल के तैनाती पर है। मौजूदा हालात में जरा दिखाना चाहूंगा, फिलहाल मेरा मौजूदगी दिनहाटा के शहर में है, जरा दिखाना चाहूंगा इस पोलिंग प्रिमाइसिस में कुल 2 पोलिंग बूथ्स है, लेकिन जिसके निगरानी और जिसका सुरक्षा का जिम्मा जो है सिर्फ अकेले इस जो स्टेट पुलिस के जो पोलिंग ऑफिसर है, जो पुलिस पर्सनल है, आम पुलिस पर्सनल है, उनके हाथ में दिया गया है। दूसरा एक पोलिंग बूथ है जहां पर एक सिविक वॉलंटियर तैनात है, यानी जिस तरीके से कोर्ट का निर्देश था, यानी हाईकोर्ट ने बाकायदा ये हिदायत दी थी कि तमाम उन पोलिंग स्टेशन में, पोलिंग प्रमाइसिस में जो है वो जो केंद्रीय बल के जवान वो तैनात रहेंगे, लेकिन इस इलाकों में एक भी केंद्रीय बल का जवान जो है वो तैनात नहीं आए। बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दादा यहाँ पर कोई केंद्रीय बल के जवान तैनात है क्या? जवान नहीं है, नहीं है ना? कितने बूथ है? 2 बूथ है। 2 बूथ तो आपके स्टेट के कितने आम पर्सनल है? 2
दो जगह एक एक।